राजन जना के मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ, आज गया था, बिल्कुल पैसे जेब में नहीं थे, तो टेम्पो वाले से बात की तो टेम्पो वाले ने मना कर दिया कि मैं तेरे को बिना पैसे नहीं ले जाऊँगा। तो मैं जैसे साइड में खड़ा रहता और वेट कर रहा था, तभी एक शंकर लाल नाम से मेरे फ्रेंड है रामदेव कॉलोनी से, वो आ गया। ये मेरे दोस्त शंकर लाल है जो मुझे स्टेशन तक पहुँचाया। एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे और मैंने एक दो टेम्पो वाले से बात की कि मेरे पास पैसा है नहीं, तो ना मैं टेम्पो वालों ने बिल्कुल मना कर दिया, मैंने पैसा नहीं था तो क्या हो जाएगा, क्या पैसे होता है तो भी कहीं जा सकते, ये ज़रूरी नहीं। मैंने वहाँ पर पैसे हो तो भी आप कहीं जा सकते, अगर आपके अंदर जाने का जज्बा हो तो बिगैर पैसे भी आप कहीं भी जा सकते हो। मैं आज निकल पड़ा हूँ ऐसी ही एक कहानी के साथ, देखते हैं बिना पैसे मैं और आगे जाके क्या कर सकता हूँ। मैं वहाँ से तो आ गया तो यहाँ नज़र आ रहा हूँ, वहाँ लंबा ट्रक सिस्टमेटिक कोई है, ना तो लोग सिस्टमेटिक तरीके से निकल रहे हैं और ना नज़र आ रहा है जो अपना बैंक से दूसरे कर पाए, इसी लाइन में भी बहुत लंबा है, भी लंबा लाइन लगा हुआ है। ये जो तीनों रास्ते काफ़ी लंबा, वो आपको कोर्ट गेट है जो सामने जो दिख रहा है, वहाँ तक पूरी भीड़ है, खचाखच। इन इंसान से अच्छे जानवर हैं जो अपने राह पर चलते हैं, ना भला कौन रोके और कौन जल्दी में है, देख लो आप भी। ज़रा इस रास्ता छोड़ दो, कोई गाड़ी इमरजेंसी के ना आ जाए। ये पूरा राउंड लगाने के लिए मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं देखता हूँ कौन मेरा इसमें सहयोग करेगा। हम अभी रामपुरी हवेली देखने के लिए आ गए हैं और इसकी खास विशेषता यह है कि लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। करीबन 400 समथिंग वर्ष हो गए इसको और अभी 100 वर्ष से अधिक समय हो गया ये बंद है। ये रामपुरिया का जो परिवार है इनके द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसके बाद इनकी कोई देख रेख नहीं है, तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल बड़ा है और मैं और आप डिजाइन के साथ दिखाने चाहता हूँ। Thank you.
या फिर जैसे सवेरा मेरा दोस्त मिला वैसे कोई मिलेगा।